हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, आज इस वीडियो में आपको 12 मई की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने भारतीय मिर्च आहार के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है चाइना, सेकेंड दिया हुआ है जापान, थर्ड दिया हुआ है रशिया, फोर्थ है साउथ कोरिया और फाइव दिया है नॉर्थ कोरिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चाइना। चाइना के साथ भारत ने भारतीय मिर्च आहार निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस देश ने फर्जी अखबार से निपटने के लिए कानून पारित किया है? किस देश ने फर्जी अखबारों से निपटने के लिए कानून पारित किया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है चाइना, सेकंड दिया हुआ है सिंगापुर, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ दिया है फ्रांस और फाइव दिया है जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस राज्य की पुलिस ने पहली बार नक्सल विरोधी महिला कमांडो यूनिट की तैनाती की है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ दिया है केरल और फाइव दिया हुआ है तमिलनाडु। तो ये जो हुआ है ये लागू हुआ है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने पहली बार नक्सल विरोधी महिला कमांडो यूनिट की तैनाती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस दिन को विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है 3 मई, सेकंड हमारे पास दिया हुआ है 4 मई, थर्ड दिया है 8 मई, फोर्थ दिया हुआ है 5 मई और फाइव दिया हुआ है 7 मई। तो फ्रेंड, ये हर बार 8 मई को मनाया जाता है, विश्व थैलेसीमिया दिवस है जो हर बार 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में आधुनिक कानूनी शिक्षा के जनक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, एन आर माधवन मेनन, सेकेंड दिया गया है पुकम कन्नन, थर्ड दिया है कृपाल सिंह, फोर्थ दिया है बी सुब्रमण्यम रेड्डी और फाइव दिया है हिरण्य सिंह मूर्ति, नरसिंह मूर्ति सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन आर माधव मेनन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि भारत के आधुनिक कानूनी शिक्षा के जनक माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्प द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में दुनिया के 8वें सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्थान दिया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, सेकंड दिया है जॉली ग्रांट, थर्ड दिया है वीर सुरेंद्र साई और फोर्थ दिया गया है वीर सावरकर। फ्रेंड, इसमें फाइव ऑप्शन ने दिया हुआ है, फाइव है राजीव गांधी, जो कि इसका आंसर है, फाइव पे दिया हुआ है राजीव गांधी हवाई अड्डा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राजीव गांधी, सॉरी जी लिखनी थी राजीव गांधी तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी हवाई अड्डा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सी भारतीय कंपनी जो 67.96 मिलियन पाउंड, जो कि लगभग होते हैं 620 करोड़ रुपए में, खिलौना बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी हेमिलस का अधिग्रहण करेगी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, फर्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड दिया है टाटा, थर्ड दिया है राजेश एक्सपोर्ट्स, फोर्थ दिया है अदानी ग्रुप और फाइव दिया है अमूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस
शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने महासागर सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट वियना, सेकंड है मुंबई, थर्ड दिया है न्यू दिल्ली, फोर्थ दिया है लिस्बन और फाइव दिया है जेनेवा। तो ये जो सम्मेलन होगा वो होगा लिस्बन में, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस कंपनी ने बाजार पूंजीकरण के मामले में देश की सबसे मूल्यवान फर्म का दर्जा हासिल किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है RIL, सेकंड है TCS, थर्ड दिया है HDFC, फोर्थ दिया है टाटा और फाइव दिया है SBI। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, TCS। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस कंपनी ने नेपाल के रेलवे विभाग के साथ दो 1600 HP डेमो ट्रेन सेट की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कोकण रेलवे, सेकंड है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, थर्ड दिया है रेल विकास निगम और फोर्थ दिया है इरकॉन इंटरनेशनल और फाइव दिया है राइट्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोकण रेलवे। फ्रेंड ये सभी करंट अफेयर मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से कलेक्ट की हुई है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तोपिल मोहम्मद मीरान का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, फर्स्ट है साइंटिस्ट, सेकंड दिया है एथलीट, थर्ड दिया है डायरेक्टर, फोर्थ दिया है नोवेलिस्ट और फाइव दिया है डॉक्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, नोवेलिस्ट निर्देशक तोपिल मोहम्मद मीरान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो एक क्या थे, निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंक ऋण में कितने की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ये 10.3% थी? तो कितने की वृद्धि हुई है, ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है 13.2%, सेकंड दिया है 13%, थर्ड ऑप्शन है 13.1%, फोर्थ दिया है 13.5% और फाइव दिया है 13.7%। तो फ्रेंड इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 13.2% की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश के केंद्रीय बैंक ने 40 मिलियन $50 के नोटों में टाइपों की जिम्मेदारी ली है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है कनाडा, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है फिजी, फोर्थ दिया है न्यूजीलैंड और फाइव दिया है बहामास। फ्रेंड ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित होगी? किस देश में होगी, ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकंड है मुंबई, थर्ड दिया है टोक्यो, फोर्थ दिया है बीजिंग और फाइव दिया है काठमांडू। तो ये जो मीटिंग होनी है ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैद्यनाथ मिश्र का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट है अर्थशास्त्री, सेकंड दिया है एथलीट, थर्ड दिया है वैज्ञानिक, फोर्थ दिया है निर्माता और फाइव दिया है क्रिकेटर। तो ये जो व्यक्ति थे वो थे अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मध्यस्थता को किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है 14 अगस्त तक, सेकंड दिया है 15 अगस्त तक, थर्ड दिया है 13 अगस्त तक और चार दिया है 11 अगस्त और पांच है 10 अगस्त।
तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसकी तारीख है जो 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई में T10 लीग में भ्रष्टाचार के आरोप में नुवान जोयासा और अविष्का गुणवर्धने को आईसीसी ने निलंबित कर दिया है, वह किस देश के हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है बांग्लादेश, सेकंड दिया हुआ है श्रीलंका, थर्ड है नेपाल, फोर्थ दिया है अफगानिस्तान और फाइव दिया है इंडिया। तो ये जो थे वो श्रीलंका के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा शहर कम से कम बीमित शहरों में से एक है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है पुणे, सेकंड दिया हुआ है आगरा, थर्ड है हमारा लखनऊ, फोर्थ दिया है जयपुर और फाइव दिया है न्यू दिल्ली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दोपहरी किस व्यक्ति का उपन्यास है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है हमारा पंकज कपूर, सेकंड है अनूप जलोटा, थर्ड दिया है के शिवा रेड्डी, फोर्थ दिया है सितांशु यादव सचंद्रा सॉरी, फाइव दिया है पद्मा सचते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पंकज कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश बन गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है यूके, सेकंड है आयरलैंड, थर्ड दिया है भारत, फोर है फ्रांस और फाइव है जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आयरलैंड, जो कि जलवायु आपात घोषित करने वाला सेकंड कंट्री। फ्रेंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरेस द्वारा नियुक्त 17 विश्व प्रेरकों में से कौन सा भारतीय महत्वाकांक्षी सतत लक्ष्यों के लिए नया अधिवक्ता है? तो जो 17 चुने गए हैं उनमें से इंडिया का कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है दिया मिर्जा, सेकंड दिया है रणवीर सिंह, थर्ड है दीपिका पादुकोण, फोर्थ दिया है अनुष्का शर्मा और लास्ट है राजकुमार राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिया मिर्जा। तो फ्रेंड इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, रोज की करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो क्वेश्चन मैंने आज आपसे पूछा है वो आप कमेंट में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर बताऊँगा। सो थैंक यू फ्रेंड।